और दोस्तों मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत हुड्डा को धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहा है सरकार। लेकिन दोस्तों इधर मनमीत ने भी बोल दिया है सरकार से कि बापू सरकार अगर किसी भी तरीका से मीत हुड्डा को टच करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं क्या हूं। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इस समय मीत हुड्डा का कितनी अच्छी समझदारी के साथ में साथ निभाते हुए नजर आ रहे हैं मनमीत। मनमीत ने अपने फादर और फादर के गुंडे सभी से बोल दिया है कि अब तुम लोगों ने जितना करना था कर लिया, लेकिन अगर आप तुम लोगों ने किसी भी तरीका से बुरा किया तो सोच लेना मैं तुम्हारे साथ में क्या कर बैठूंगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए और एक नया ट्विस्ट लेकर आती हुई नजर आने वाली है। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मनमीत की, तो मनमीत अब ये शादी भी कैंसिल कर रहा है वो भी शगुन के साथ में, क्योंकि मनमीत ने बोल दिया था कि हम ये शादी अब शगुन से 1 से 1 लाख तक नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोग जानते ही हैं कि शगुन से शादी ना करना कितना अच्छा फैसला लेता हुआ नजर आ रहा है इस समय मनमीत। मनमीत पूरी तरीका से सपोर्ट जो कर रहा है वो इस समय मीत हुड्डा की कर रहा है, क्योंकि मीत हुड्डा से अब वो कहीं ना कहीं प्यार करने लगा है और अपने प्यार का इजहार करना वाकई में अब वो पूरी तरीका से कोशिश कर रहा है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मनमीत पहले भी खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं मनमीत और मीत हुड्डा के बीच में जो गलत फहमियाँ डाली थी वो शगुन ने डाली थी। लेकिन दोस्तों शगुन ने ये अंधे होने का नाटक जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, क्योंकि इसलिए मीत हुड्डा ने बीछू डाला था उस हल्दी में। साथ ही दोस्तों उस हल्दी में बीछू डाल तो दिया, लेकिन सभी लोगों ने लगातार जिस तरीका से टारगेट करना स्टार्ट किया है मीत हुड्डा को, वो वाकई में दोस्तों बहुत ज़्यादा गलत है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएगा।